जहाँ पे इनेलो और बसपा प्रत्याशी हमारे साथ हैं। मैम, इस बार पार्टी ने आपको चुनाव मैदान में उतारा, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने मुझे चुनाव में उतारा है इसलिए कि चौधरी नफे सिंह राठी की 22 फरवरी को जो हत्या हुई थी उसके अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, लोगों को के बीच में जाकर अपना न्याय मांगने के लिए, और पार्टी ने जो मेरे को कैंडिडेट बनाया है वो इस क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि मैं अभी आई आ रही थी वहाँ के निकलने का रास्ता नहीं है। 10 साल बीजेपी की सरकार, नीचे हरियाणा में भी ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, 10 साल कांग्रेस की सरकार नीचे हरियाणा में भी ऊपर सेंटर में भी। तो मुझे जो नफे सिंह राठी ने रोड बनवाए थे वो रोड जब उनके बने हुए थे उसके बाद कोई विकास नहीं है गांव में। जी, अब जब बात करें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने जो है घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, चुनावी घोषणा पत्र, काफी जो है उन्होंने लोगों को लुभाने वाले जो वादे हैं दोनों पार्टी की तरफ से किए गए, आप क्या कहना चाहेंगे? वह लुभाने वादे तो वो 10 साल से बीजेपी करती आ रही है, 10 साल से कांग्रेस करती आ रही है। अब विकास होगा तो इनेलो सरकार बनने जा रही है तभी विकास होएगा लोगों का। अगर आप जीत के आती है तो सबसे पहला कार्य अपनी विधानसभा के लिए क्या करेंगे? हम जीत चुके हैं, हमारी जनता ने आश्वासन दे दिया है कि बहादुरगढ़ सीट निकाल कर विधानसभा में भेज दी है, आने वाली 5 तारीख का इंतजार है। तो ये थी शीला राठी जी, जिनको की अनेलो बसपा की जो प्रत्याशी हैं, इनको चुनावी मैदान में उतारा है और इनका ये कहना है कि अगर जीत के आती है तो काफी विकास कार्य किए जाएंगे। और कांग्रेस और बीजेपी ने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया उनके लिए इन्होंने कहा है कि बीजेपी 10 साल से रही है, कांग्रेस 10 साल से रही है, इन्होंने सिर्फ जनता से अपने जो है लुहावने वादे ही किए हैं, इसके अलावा कोई काम जो है धरातल पर नहीं किया है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं अरुण कौशल, NB News, बहादुरगढ़।